हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1952 के कोंकण शहर के दृश्य को दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम गोटिया होता है, और वहीं पर एक लड़की की शादी भी हो रही होती है जिसका नाम मुन्नी होता है। मगर इस शादी से गोटिया बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि गोटिया मुन्नी से शादी करना चाहता था। मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी, फिर भी गोटिया उससे प्यार करता था। वो मुन्नी के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि मुन्नी के दूल्हे को जहर देकर मारना चाहता था। इस बात का पता गोटिया के माँ को चल गया था। गोटिया की माँ उसको छड़ी से बहुत मारती है और कहती है कि तू उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो तुझसे बड़ी है। लेकिन गोटिया था जो मानने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए उसका मुंडन कर दिया जाता है और साथ ही दूसरी तरफ मुन्नी की शादी भी हो जाती है। इसके बाद रात में गोटिया बहुत ही गुस्से में अपनी बहन को चितकुवाड़ी नाम की एक जगह पर ले जाता है, जहां पर सभी लोग जाने से डरते थे। वहां पर वो जादू टोना करता है और काली शक्तियों को खुश करना चाहता है। वो काली शक्तियों को खुश करके मुन्नी को वापस पाना चाहता है। वो वहां पे अपनी बहन की बलि भी देना चाहता है। जब उसकी बहन को इसका पता चलता है तो वो गोटिया को धक्का मारकर जमीन पे गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। गिरने की वजह से गोटिया के सर पर गहरी चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। उसकी बहन घर वालों को बुलाकर चितकुवाड़ी लेकर आती है। तब तक गोटिया की मौत हो चुकी होती है। घर वाले गोटिया की हालत देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। अंतिम संस्कार के बाद वो लोग उसके अस्थियों को पेड़ के नीचे ही दफन कर देते हैं, क्योंकि जिस किसी ब्राह्मण बच्चे का मुंडन हुआ हो और 10 दिन पूरे होने से पहले ही वो मर जाए तो ऐसी मान्यता है कि वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, यानी कि मुंजिया। वो बाहर आकर किसी को परेशान ना करे, इसीलिए उसकी अस्थियों को वहीं पेड़ से बांध दिया जाता है। आगे कई सालों बाद हमें पुणे शहर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम बिट्टू होता है। बिट्टू छोटी छोटी चीजों से बहुत डरता है। उसकी माँ पम्मी एक सलोन चलाती है। उन दोनों के साथ बिट्टू की दादी भी रहती है, जो बिट्टू को बहुत प्यार करती है। बिट्टू के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिट्टू को ये पता नहीं है कि आखिर उसके पिता की मौत हुई कैसे। बिट्टू हेयर स्टाइलिंग सीखने के लिए बाहर जाना चाहता है, जिसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी होती है, लेकिन उसकी माँ उसको बाहर जाने देना नहीं चाहती। बिट्टू का एक दोस्त है जो कि खुद को स्पीलबर्ग कहता है, क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव है और कैमरा वर्क करता है। बिट्टू की एक बचपन की फ्रेंड भी है जिसका नाम बेला है। बिट्टू मन ही मन में बेला को बहुत चाहता है, लेकिन बेला का तो एक फॉरेनर बॉयफ्रेंड होता है जो कि उसको रिंग भी पहना चुका होता है, और बेला ने बहुत ही हाल में जुम्बा क्लासेस ओपन किए होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू को बहुत ही डरावने सपने आते हैं। वो सपनों में उसी जगह को देखता है जहाँ पे गोटिया अपनी बहन की बलि देना चाहता था, जहाँ पे मुंजिया अभी भी कैद है। हम जान पाते हैं कि बिट्टू उसी गांव से बिलोंग करता है जहाँ पर गोटिया रहा करता था, लेकिन बिट्टू की माँ कभी भी बिट्टू को गाँव लेकर नहीं जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो लोग गाँव गए थे तो बिट्टू के पिता की मौत वहीं पर हुई थी। इसीलिए बिट्टू की माँ बिट्टू को कभी भी लेकर वहाँ नहीं जाती है, लेकिन इस बार पम्मी को बिट्टू को लेकर गांव जाना ही पड़ता है, क्योंकि बिट्टू की कजन रुकू की सगाई होने वाली होती है। पम्मी की और बिट्टू के चाचा बालू की बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो दोनों जब भी आमने सामने आते हैं तो माहौल गर्म हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब पम्मी और बिट्टू गाँव पहुँचते हैं और बालू बिट्टू की दादी यानी कि अपनी माँ को पेपर्स देकर साइन करने को कहता है। कहता है कि वो चितकुवाड़ी को बेच देना चाहता है, लेकिन बिट्टू की दादी चितकुवाड़ी को बेचना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो एक शापित जगह है। तभी झुंझलाते हुए बिट्टू का चाचा बालू कहता है, अगर मेरे बड़े भाई ने ये बात कही होती तो आप तुरंत साइन कर देती, लेकिन आप मेरे लिए इन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगी। मेरा बड़ा भाई भी तो उस चितकुवाड़ी को बेच देना चाहता था। बिट्टू वहीं पे खड़ा होकर सुन रहा होता है। बालू बिट्टू से कहता है, पता है तुम्हारा बाप पागल था, वो चितकुवाड़ी में उसी पेड़ को जलाने गया था। वो कहता था कि पहले पेड़ को जलाएगा, उसके बाद चितकुवाड़ी को बेच देगा, लेकिन उसकी मौत पानी में डूब के हो गई। ये सब कुछ सुनकर बिट्टू बहुत ही हर्ट हो जाता है, जिसके बाद स्कूटी लेकर बिट्टू चितकुवाड़ी पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद हम देख पाते हैं कि मुंजिया उसको देख के बहुत ही खुश है। वो उसको अपने वश में कर लेता है। इधर गाँव में पता चल जाता है कि स्कूटी लेकर बिट्टू चितकुवाड़ी गया है। डर के मारे कोई भी उसे बचाने नहीं जाता है, मगर बिट्टू की दादी उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए अपनी माँ की छड़ी उठाकर वो चितकुवाड़ी जाती है। वहां पर एक रहस्य से पर्दा उठता है कि गोटिया
जो कि अब ब्रह्म राक्षस है, उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि बिट्टू की दादी है। बिट्टू की दादी अपनी माँ की छड़ी से मुझिया को बहुत मारती है, तब जाकर वो बिट्टू को आजाद करता है। बिट्टू को लेकर दादी आती है और समंदर के सामने सारी कहानी बताती है कि मुझिया उसका भाई था और उसकी बलि देना चाहता था, लेकिन अब वो ब्रह्म राक्षस बन चुका है और उसका नाम मुझिया है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि मुझिया अब चितिकवाड़ी में नहीं है बल्कि वहां से आजाद हो चुका है और इन दोनों के पीछे आ गया है। वो दादी को मार देता है और ये सब कुछ देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अस्पताल में होता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है। वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। बिट्टू के चाचा अपनी माँ के अंतिम संस्कार के समय कहता है, जब भी बिट्टू और बिट्टू की माँ यहाँ आती है तो किसी ना किसी की मौत हो जाती है। ये सब बातें सुनकर बिट्टू की माँ पम्मी बहुत ही गुस्सा और हर्ट होती है और बिट्टू को लेकर शहर वापस चली जाती है। रास्ते में हम देख पाते हैं कि मुंजिया अब बिट्टू के साथ आ चुका है, क्योंकि बिट्टू उसके खून का रिलेटिव था जो उसके पास गया था और इसके जरिए चितुकवाड़ी से मुंजिया आजाद हो गया था। अब जैसे वो पेड़ से बंधा होता था वैसे ही बिट्टू से लिपट के रहता है। आगे बिट्टू की रोजमर्रा की लाइफ में मुंजिया उसे बहुत परेशान करने लगता है, बिट्टू का जीना हराम कर देता है। सबको बिट्टू को देखकर यही लगता है कि मानो बिट्टू आजकल ड्रग्स लेने लगा है। मुंजिया हमेशा ही मुन्नी मुन्नी करता रहता है क्योंकि अब वो मुन्नी को चाहता है और उसी से शादी करना चाहता है। दरअसल मुंजिया का प्लान मुन्नी से सिर्फ शादी करने का ही नहीं है बल्कि उसके बाद उसकी बलि देकर खुद की मुक्ति प्राप्त करना भी है। ये सारी बातें बिट्टू अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बताता है, लेकिन शुरुआत में स्पीलबर्ग इन सारी बातों को मजाक समझता है और वो भी समझता है कि बिट्टू ड्रग्स लेता है, मगर बाद में वो समझ जाता है कि ये मजाक नहीं है बल्कि मुझिया असल में है और उन्हीं के आसपास है। इसके बाद वो लोग मुझिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां पर मुझिया पहले दोनों को बहुत डराता है और बाद में कहता है कि उसे मुन्नी चाहिए क्योंकि वो मुन्नी से अब भी शादी करना चाहता है। बिट्टू और उसका दोस्त स्पीलबर्ग थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर मुझिया दादी का भाई है, यानी कि मुन्नी भी उसी गाँव से होगी, वो लोग रुकू को फोन करते हैं और मुन्नी कानिटकर के बारे में पता करने को कहते हैं। पता करने के बाद हमें ये पता चलता है कि मुन्नी कोई और नहीं बल्कि बेला की दादी है और बेला की शक्ल बिल्कुल ही दादी से मिलती है। इसके बाद दोनों बेला के घर जाते हैं और उसकी दादी से मिलते हैं। वो अब बहुत बुढ़ी हो चुकी होती है और कुछ ही दिनों में बस मरने ही वाली होती है। तभी वहां पर बेला आ जाती है। वो बिट्टू को गले से लगा लेती है और कहती है कि उसे दादी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। लेकिन उसी समय मुंजिया भी बेला को देख लेता है। बेला की शक्ल बिल्कुल उसकी दादी ही जैसी थी, जैसे कि वो अपने जवानी के समय दिखती थी। इसीलिए अब मुंजिया बेला से शादी करना चाहता है और उसकी बलि देना चाहता है। ये सब सुनकर बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि मुंजिया से पीछा छुड़ाने के लिए उसे किसी को मारना भी पड़ेगा, लेकिन वो डर के मारे हाँ कह देता है क्योंकि मुंजिया कहता है कि अगर बिट्टू ने उसकी मदद नहीं की तो वो सबसे पहले पम्मी को मार डालेगा, जिससे बिट्टू डर जाता है। इसके बाद बिट्टू और उसका दोस्त स्पीलबर्ग एक पादरी के पास जाते हैं जिसका नाम होता है एल्विस करीम प्रभाकर। वो छोटे छोटे शोज पे दिखाता है कि वो कैसे हैंड ऑफ गॉड यानी कि भगवान के नाम से भूतों को खत्म कर देता है, जिससे प्रभावित होकर वो लोग उसके ऑफिस जाते हैं जहां पर बिट्टू अपनी परेशानी को बताता है। उसकी परेशानी की बात सुनकर इसके बाद प्रभाकर अपने असली रूप में आता है, अपने वीक को हटाता है और कहता है, बाहर उन लोगों ने जिन भी चीजों को देखा वो सब एक्टिंग थे, क्योंकि लोग भरोसा करना चाहते हैं तो ये लोग वही दिखाते हैं और ऐसे ही कमाई करते हैं, लेकिन असल में प्रभाकर सच में भूत भगाने वाला होता है। वो मुझिया की हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि जब कोई ब्राह्मण बच्चा अपने मुंडन से 10 दिन के अंदर ही मर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसे मुझिया कहते हैं। उसे पेड़ से बांध दिया जाता है ताकि वो किसी और को परेशान ना कर सके, लेकिन वो अपने खून के रिश्तेदारों को होस्टेस बनाकर उस पेड़ से बाहर आ सकता है। इसके बाद वो बताता है उसके पास मुंजिया को खत्म करने का एक उपाय भी है। वो जिस किसी से भी शादी करना चाहता है उससे शादी करने के लिए उसे फिजिकल फॉर्म में आना होगा और तब एक खास निशान मुंजिया के किसी भी रिलेटिव के खून से बकरे के सर में बनाना होगा, जिससे कि मुंजिया डायरेक्ट बकरे के अंदर समा जाएगा ताकि वो शादी कर सके, और अगर हम उस समय बकरे को मार देंगे तो मुझिया भी वहीं पर खत्म हो जाएगा।
ये सब कुछ सुनकर पिट्टू और उसका दोस्त थोड़े खुश तो होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर वो लोग बेला को कहेंगे क्या? वो उसकी शादी करवा रहे हैं, वो भी किसी बकरे से। और तो और ये सब कुछ मुझिया के असली पेड़ के पास ही करना होगा। इसके बाद बिट्टू और उसका दोस्त एक प्लान बनाते हैं। वो अपने साथ बेला को गांव चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें एड शूट की पोर्टफोलियो के लिए एक वीडियो चाहिए था और बेला को भी जुम्बा क्लासेस के एड चाहिए थे, तो दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। और इस तरह बिट्टू बेला को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। वो लोग गांव में एड शूट करते हैं और एड शूट करते हुए एक दिन बेला भी बिट्टू से कहती है, उसे भी लगता है कि उसको बिट्टू से प्यार है, और वो ये कहने ही वाली होती है तभी वहां पर उसका फॉरेनर बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसकी आजकल बेला से बन नहीं रही थी। पर बेला उसको देख के बहुत सरप्राइज हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब शाम भी होने वाली थी तो मुझिया आ जाता है। वो बेला के बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे घसीटकर जंगल में लेकर जाता है और उसे बहुत मार मारता है, जिससे कि उसे बहुत चोटें आती हैं। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। अस्पताल में सभी लोग परेशान बैठे होते हैं, तभी वहां पर रुक्कू आती है। वो मुंजिया को देख सकती थी। बिट्टू उससे बात कर रहा होता है, जिसको देखकर रुक्कू बहुत घबरा जाती है। रुक्कू उसे देख सकती थी क्योंकि रुक्कू भी उसी खानदान से थी, उसके रगों में भी वही खून था। रुक्कू बिट्टू से पूछती है कि आखिर ये चीज क्या है, जिसके बाद बिट्टू रुक्कू को पूरी कहानी बताता है। रुक्कू ये बातें सुनकर बिल्कुल ही शॉक हो जाती है कि मुझिया को शादी करनी है। इसके बाद अस्पताल में बिट्टू बेला के नारियल में शराब मिलाकर पिला देता है। इधर दूसरी तरफ स्पीलबर्ग और रुक्कू गांव से एक बकरे को चुरा लेते हैं, ताकि रात में वो लोग उसकी शादी बेला से करा सके। इधर शराब पीकर बेला नशे में आ जाती है और बिट्टू उसे लेकर चितुगवाड़ी आ जाता है। वहां पर मुझिया पेड़ से सब कुछ दिख रहा होता है। बिट्टू बकरे की शादी बेला से कराने के लिए बकरे के माथे में अपने खून से एक खास निशान बनाता है, ताकि मुझिया उस बकरे में प्रवेश कर सके। लेकिन बेला नशे में होती है, इसीलिए जब मुझिया बकरे के अंदर समा जाता है, तब उसके माथे में बने निशान को देखकर वो भी माथे में सेम निशान बना लेती, क्योंकि वो नशे में होती है। इधर मुझिया भी अब जान चुका था कि बिट्टू उसको धोखा दे रहा है और उसकी शादी नहीं करवाएगा, बल्कि उस बकरे को मारकर मुझिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन अब बाजी पलट चुकी थी। मुझिया बेला के अंदर आ चुका था और बेला के अंदर पहुंचते ही मुझिया और शक्तिशाली हो जाता है। वो सबको मारने लगता है और चोट पहुंचाने लगता है। सभी भागने लगते हैं। भागते वक्त रास्ते में बालू मिल जाता है, जो कि सोचता है कि बिट्टू और उसका दोस्त उस बकरे को चुरा कर भाग रहे हैं। इसीलिए वो बकरे को वापस ले लेता है और अपने दोस्त के साथ चला जाता है, जिसके बाद बिट्टू स्पीलबर्ग और रुक्कू भागकर घर जाते हैं और पम्मी को सब कुछ बता ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर बेला आ जाती है और सब तरफ कोहराम मचा देती है। पम्मी को अब मुझे के बारे में पता चल चुका था। लोग डर कर इधर उधर भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर प्रभाकर आ जाता है। इसके बाद प्रभाकर बेला यानी कि मुझे के ऊपर एक विभूति छिड़कता है, उसके आसपास एक गोल चक्र बना देता है। वो एक पवित्र विभूति होती है, इसीलिए मुझे उससे बाहर नहीं आ सकता है। इसके बाद वो बिट्टू से कहता है, हमें वापस बेला और मुझिया की अदली बदली करानी होगी, इसीलिए उसे उस बकरे की जरूरत होगी। लेकिन बकरा तो बालू ले गया था। वो लोग भागकर बालू के पास जाते हैं तो पता चलता है कि बालू ने उस बकरे को काटकर खा लिया है। बातों बातों में ये पता चलता है कि बकरे को केवल बालू नहीं खाया है, क्योंकि उसके दोस्त का उपवास था। तभी प्रभाकर कहता है, अगर पूरा बकरा बालू ने खाया है तो बेला की आत्मा भी इसके अंदर चली गई होगी। इसीलिए प्रभाकर उसके सिर पर जबरदस्ती उसके ही खून से एक खास निशान बना देता है, वैसा ही निशान जैसा कि बकरे और बेला के सर में बना था। दूसरी तरफ गोल चक्र में बेला बहला फुसला कर रुकू को अंदर ले आती है और मुझिया आजाद हो जाता है। वो सीधा भागकर वापस बिट्टू को मारने के लिए जाता है, क्योंकि बिट्टू ने उसे धोखा दिया था। लेकिन तभी वहां पर स्पीलबर्ग उस बकरे के साथ आता है, जिसके अंदर बेला की आत्मा है। हमें वहां पे पता चलता है कि बालू ने किसी और बकरे को खाया है। अब तीनों के सिर पर खास निशान होता है। इसके बाद बेला के शरीर को छोड़कर मुझिया बालू के शरीर में घुस जाता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो सबको मारने लगता है। बिट्टू को वो जान से मार देना चाहता है, लेकिन वो सबसे पहले बेला से शादी करेगा, इसीलिए वो बेला को जबरदस्ती ले जाने लगता है। लेकिन बिट्टू उससे फाइट करता है, जहां पर मुझिया बिट्टू को मार के बेहोश कर देता है और बेला को घसीट कर ले जाता है। बिट्टू को जब होश आता है तो वो बहुत रोता है, लेकिन तभी वहां पे दादी आती है। वो कहती है कि ये आत्माएं या शैतान हमें इसलिए डराती है क्योंकि हम डरते हैं। अगर हम नहीं डरेंगे तो उनकी ताकत भी खत्म हो जाएगी, जिससे कि बिट्टू को बहुत हौसला मिलता है
और वो छड़ी लेकर मुझिया के पास पहुंचता है। वो उससे कहता है कि मुझिया बेला को छोड़ दो। हाथ में छड़ी को देखकर मुझिया यानी कि गुटिया अपनी माँ को याद करता है जो उसको छड़ी से मारती थी और वो डर के मारे बेला को छोड़ देता है। इसके बाद मुझिया और बिट्टू के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें बिट्टू बहुत मार खाता है, लेकिन बिट्टू छड़ी से मुझिया यानी कि अपने चाचा बालू को बहुत मारता है, उसकी चमड़ी उधेड़ के रख देता है। इसीलिए वो बिट्टू की गर्दन दबाने लगता है और उसे ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं कि बिट्टू ने बालू के पीठ पर छड़ी से मार मार के वही निशान बना दिया था जिससे कि मुझिया ट्रांसफर हो सकता था। वो अपने खून से उस पेड़ पर वही निशान बना देता है जिससे कि अब मुझिया वापस उस पेड़ के अंदर समा जाता है और उसका चाचा बालू होश में आ जाता है और होश में आते ही वो भाग खड़ा होता है। लेकिन मुझिया जो कि अब वापस पेड़ के अंदर आ चुका था, वो पेड़ की टहनियों से बेला और बिट्टू पर हमला कर देता है। वो दोनों को टांग देता है और उन्हें मार देना चाहता है, लेकिन बेला उस पेड़ पर पेट्रोल डाल देती है, वही पेट्रोल जिसको कि हवन की अग्नि बनाने के लिए बिट्टू लेकर आया था। बिट्टू मशाल फेंककर उस पेड़ में आग लगा देता है और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। मुंशिया भी जलकर खाक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू शहर वापस आ चुका है। बेला भी अब बाहर जा रही है क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रही है कि उसे लाइफ में क्या करना है। बिट्टू इस बार हिम्मत करके अपने दिल की बात बेला को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन बेला बोलती है कि अभी तो वो ये समझना चाहती है कि उसे लाइफ में क्या करना है, जिस पर बिट्टू कहता है वो उसका इंतजार करेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि मुझिया अभी भी सपनों में आकर बिट्टू को परेशान करता है, लेकिन बिट्टू अब डरता नहीं है बल्कि छड़ी निकाल लेता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें भास्कर यानी कि वरुण धवन को दिखाया जाता है। आपने भेड़िया मूवी तो देखी होगी ना, वो जंगल में होता है और उसका दोस्त उसके लिए कुछ कपड़े लाकर देता है जिसके अंडरवेयर का ब्रांड मुन्नी होता है, और मुन्नी का नाम सुनते ही वापस मुंजिया को दिखाया जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दोस्तों ऐसी बेहतरीन और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन को लेकर मैं आता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में मैं जितनी भी वीडियो को अपलोड करूंगा वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक्साइटिंग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।